एक गांव में ब्रिजेश सिंह नाम का जमींदार हुआ करता था। उसके दो पत्नी थी, लीलावती कलावती। लीलावती के दो बेटे थे, जगत और जगदीश। कलावती का एक बेटा था जिसका नाम था अभिमन्यु। ब्रिजेश सिंह को गुजरे हुए एक साल हो गया था। जगत जगदीश दोनों मिलकर जायदाद बांट रहे थे। इतने में सूट बूट पहनकर एक बड़ी सी कार में अभिमन्यु वहां आया। अभिमन्यु को देखते ही जगत जगदीश दोनों बहुत घबरा गए थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत के इस घर में पैर रखे, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। देखो, चुपचाप यहाँ से नहीं गए तो पुलिस कंप्लेंट दे दूंगा। देखिए भाई, तुम लोग मुझे डरा धमका कर कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, ये बात मुझे अच्छे से पता है। और वैसे भी मैं यहाँ आपके जायदाद में हिस्से के लिए नहीं आया हूँ। आप लोगों के पास इतनी जायदाद है, उससे ज्यादा मैंने अमेरिका में खुद कमा लिया है। मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप लोगों के पास आकर एक चीज मांगने के लिए आया हूँ। चुपचाप दोगे तो ठीक है, वरना कानून के हिसाब से मेरा भी इस जायदाद पर हक है। कोर्ट में केस डालूंगा तो मुझे भी आधा हिस्सा मिलेगा। जगत जगदीश दोनों बहुत डर गए। तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। हमारे पिताजी जब जवान थे तब जिस बैलगाड़ी में वे घूमते थे ना, वो बैलगाड़ी चाहिए। वो बात सुनकर जगत जगदीश दोनों चैन की सांस लिए। वो बेकार की गाड़ी गोडाउन में पड़कर जंग खा गई होगी, शाम को काम वाले के साथ भिजा दूंगा, पहले निकलो यहाँ से। अगले दिन सुबह एक नौकर ब्रिजेश सिंह की वो बैलगाड़ी अभिमन्यु को देकर चले गया। अभिमन्यु उस बैलगाड़ी को पेंट करके उसे नए जैसा बना दिया। कलावती को उस गाड़ी के पास लेकर आया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। माँ, जैसे आपकी ख्वाहिश थी मैं इस बैलगाड़ी को लेकर आ गया हूँ। अब आपको इस पर कहाँ जाना है बताओ, मैं ही आपको लेकर चलता हूँ। मैं और तुम्हारे पिताजी पूर्णिमा के दिन स्वर्णमुखी नदी के किनारे तक जाते थे। वे खुद ही इस गाड़ी को चलाते थे। चांद के रोशनी में स्वर्णमुखी नदी जानते हो कितना खूबसूरत लगता है। स्वर्णमुखी नदी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। हम अगर बैलगाड़ी में गए तो 5-1 घंटे लगेंगे। पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इस धूप में इतनी दूर नहीं जा पाओगी। आपको धूप ना लगे और यात्रा आराम से हो, ऐसे मैं कोई इंतजाम करूँगा। पूर्णिमा को अभी 2 दिन है ना। अगले दिन अभिमन्यु उस बैलगाड़ी के ऊपर उसकी माँ आराम से बिना धूप लगे यात्रा करने के लिए बैम्बू के लकड़ियों से एक घर बनाया। पूर्णिमा के दिन अभिमन्यु अपनी माँ को उस बैलगाड़ी के ऊपर उस बैम्बू के घर में बिठाया। वो खुद गाड़ी चलाते हुए स्वर्णमुखी नदी तक लेकर गया। उस दिन सारी रात कलावती अभिमन्यु उस नदी के पास ही बिताए। मेरी आखिरी ख्वाहिश बिना पूरी किए तुम उस अमेरिका में ही रह जाओगे सोचकर मैं बहुत डर गई थी बेटा, लेकिन तुम मेरे लिए अपना व्यापार छोड़कर इतने दिनों से इतनी मेहनत किए, ये सब सोचूं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। अब हम अमेरिका चलते हैं, मैं अब चैन से मर सकती हूँ। अगले दिन अभिमन्यु ब्रिजेश सिंह के घर आया। देखिए भाई लोग, मैं हमारे पिताजी के बैलगाड़ी को आपको वापस करने आया हूँ। मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में आपने मदद की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी माँ 2 दिन में अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। वो बातें सुनकर लीलावती, बेटा अभिमन्यु, इतने दिन मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मुझे भी अपने साथ अमेरिका ले चलोगे? तुम्हारे घर में कोई काम करते हुए एक कोने में पड़ी रहूंगी। क्या बात कर रही हो बड़ी माँ, अगर आप मेरे घर आओगे तो मुझे उससे ज्यादा खुशी और क्या मिलेगी, आपको एक महारानी की तरह रखूंगा।
जगत गुस्से में, माँ आप पागल हो गए हो क्या, उनके साथ जाने के लिए बोल रही हो? हाँ रे, इतने दिन मुझे अपने बेटे का पागलपन था, अभी वही पागलपन मिट गया है। मेरे बच्चे यूं सोच कर इतना लगाव रखने के लिए उसकी सजा मुझे मिल गई है। इतने दिनों तक तुम लोग मुझे एक काम वाली की तरह देखते आ रहे हो। ये घर मेरे नाम पर होने के कारण अब तक मुझे यहाँ रखे हुए हो, वरना कब का मेरा गला घोट कर मार देते। ये लो, ये घर तुम दोनों के नाम पर लिख चुकी हूँ, मैं अभिमन्यु के साथ जा रही हूँ, कहकर जायदाद के पेपर्स उनके ऊपर फेंक दी। अभिमन्यु लीलावती कलावती दोनों को लेकर अमेरिका चले गया।